हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ईएमआई पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें हमने कवर किया था ये इमोशनल ईएमआई, और इमोशनल ईएमआई का जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम सब डिस्कस कर चुके थे। और इसमें हमने बताया था कि जो ईएमएफ हम निकालते हैं इसकी वैल्यू ई इज इक्वल टू बी वी और एल, इस कॉन्सेप्ट से ईएमएफ निकाली जाएगी। इमोशनल ईएमआई पूरी ईएमआई को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक था इमोशनल ईएमआई, एक था हमारा स्टैटिक ईएमआई जिसमें बताया था हमने एक म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, और एक होता है पीरियोडिक ईएमआई। तो ये इमोशनल ईएमआई के कॉन्सेप्ट हमने सब कवर कर लिए थे, बस इसके ऊपर क्वेश्चंस बाकी थे। तो हम लोग क्वेश्चन बुक करेंगे, ये बुक आपके पास होगी ही, इंजीनियर्स वॉल्यूम 5। तो इसके अंदर ईएमआई जो चैप्टर है उसमें हम लोग कवर कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 10-13 तक के, फिर उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो सब इमोशनल ईएमआई के। अब इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमको दिया है टू रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम, एक रेलवे ट्रैक दिया गया है और इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक मिली वोल्ट मीटर लगाया गया और इसके ऊपर एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन की स्पीड हमको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन की स्पीड है। और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 0.2 और इनटू 10^-4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। एंड रेल्स आर सेपरेटेड बाई, यानी हमको ये लेंथ दे रखी है 1 मीटर, दोनों रेल्स के बीच की लंबाई दे रखी है 1 मीटर। अब हमको ईएमएफ निकालना है इसका। तो हमने बताया था चाहे रेलवे हो चाहे एरोप्लेन हो, इन दोनों के अंदर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हम यहां पर रखते हैं ईएमएफ निकालने के लिए। तो ईएमएफ निकालने के लिए ई इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, हमको ये वैल्यू यहां पर दे रखी है वर्टिकल कंपोनेंट 0.2 इंटू 10^-4 इंटू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और इंटू लेंथ यहां पर दे रखी है हमको 1। तो ये हो जाएगा 20 × 40 यानी 4 और इंटू 10^-4 बोल्ट, ठीक है, ये ईएमएफ हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हैं वो मिली वोल्ट में दे रखे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10^-3, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0.4 मिली वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी ईएमएफ, यानी दोनों रेल्स के बीच में जो ईएमएफ डेवलप होगी वो 0.4 मिली वोल्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको वेक्टर फॉर्म में दी गई है। ये दिया गया है 3i + 4j + 5k, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया। ए रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस, एक रॉड है जिसको रखा गया है अलोंग वाई एक्सिस, यानी ये रॉड हो गई हमारी जिसकी लंबाई हमको दे ही रखी है इसमें 5 मीटर, यानी इस रॉड की लेंथ दे रखी है 5 मीटर जो वाई एक्सिस के ऊपर इसको रखा गया। एंड इज मूव्ड अलोंग एक्स एक्सिस विद कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी इसको ले जाया जा रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर जिसकी स्पीड रखी गई है 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालने के लिए बताया था हमने कि ईएमएफ निकालने के लिए वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए इनके बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी हमको दे रखी है एक्स एक्सिस पर, लेंथ दे रखी है वाई एक्सिस पर, तो इसका मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा जेड एक्सिस का। तो जेड एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड हो गया 5, वेलोसिटी होगी 1 और लेंथ होगी 5, इसका मतलब ईएमएफ जो इसके अंदर डेवलप होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 वोल्ट इधर ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ ये तीनों ही आपस में होना चाहिए परपेंडिकुलर, बस इससे हमको ईएमएफ की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, 25 वोल्ट आ गई। आगे बात करते हैं,
अगले सवाल में हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको दिया गया है ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, ये ए पॉइंट है जिसके ऊपर ये पाइवेटेड है और इसको रोटेट किया जा रहा है। रोटेशन की इसकी स्पीड है ओमेगा और रॉड की जो लंबाई है वो हमको दे रखी है एल। एल लेंथ से इसे रोटेट किया जा रहा विद मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, यानी ये जहां पर भी रखी हुई है रॉड वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी। द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द मिड पॉइंट सी एंड एंड बी, यानी इस रॉड के मिड पॉइंट के और इस रॉड के किनारे के बीच में हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक ईएमएफ कितना डेवलप होगा। तो ये हो गया इसका बी पॉइंट और ये है मिड पॉइंट सी। तो ये हमने बताया था अगर मिड पॉइंट के बीच में और जो है एंड पॉइंट के बीच में अगर ईएमएफ पूछी जाती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ बी ओमेगा। जनरली हमारे पास फार्मूला था एल स्क्वायर, तो अब यहां पर एल जो लिया जाएगा वो ये वैल्यू है, ये हम कंसीडर करेंगे और इसकी वैल्यू है यहां पर एल बाई टू। तो यहां पर रख दिया जाएगा एल बाई टू का होल स्क्वायर, इट मींस ये वैल्यू हो जाएगी 1/8 बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ये किसी भी मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है, इतना ईएमएफ हो जाएगा 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया गया है देखिए। इसमें हमको दिया गया है एन एरोप्लेन विद विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर, यानी एक एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन का विंग स्पैन दिया गया है, यानी ये हमको बताया था जो एरोप्लेन का विंग स्पैन होता है इसी को हम लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलेंगे, कंडक्टर की लंबाई होगी ये। तो एल की वैल्यू यहां पर होगी 50 मीटर, 50 मीटर लेंथ है। फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 360, यानी ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसकी स्पीड है 360 किलोमीटर पर आर, ये हो जाएगी 5/18 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 5/18 यानी 100 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से ये चल रहा है। और इस जगह पर भी हमको वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है फील्ड का जिसकी वैल्यू दे रखी है 2×10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप ऑफ विंग्स, तो इसमें भी ईएमएफ निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, बताया गया था वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे फील्ड का, वेलोसिटी और इनटू लंबाई कंडक्टर की लेंथ। बस यहां से वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है 2×10⁻⁴, वेलोसिटी हमने निकाली ली 100 और इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर दे रखी है इधर 50, ये हो गया। अब यहां से ये हो जाएगा 50×200, 100 का मतलब 10⁻² 10⁻⁴ और 10⁻⁴, इसका मतलब जो ईएमएफ डेवलप होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट, दोनों विंग्स के बीच में 1 वोल्ट का ईएमएफ यहां पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन में और जो एरोप्लेन था इसमें बताया ही था कि ट्रेन का मूवमेंट और एरोप्लेन का जो मूवमेंट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ही होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, तो हम जो भी फील्ड लेंगे वो सिर्फ वर्टिकल वाला होगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर रखा जाएगा ताकि हमको ईएमएफ मिल जाए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 एंड इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन दैट ए फ्रेम सी डी ई एफ, मीन्स ये फ्रेम है सी डी ई
और एफ, ये एक फ्रेम दिया गया। इसको एक ऐसे रीजन में रखा गया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड पाया जा रहा है। ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये रॉड है और इस रॉड को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसके ऊपर मूव करवाया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो यहां एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, यूनिफॉर्म इनवर्ट फील्ड है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला का फील्ड है। पावर स्पेंट इन द प्रोसेस, और हमको रेजिस्टेंस दे रखी है यहां पर, जितने भी तार हैं इन सब की जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 ओम, एंड ऑल अदर वायर्स एंड रॉड हैव 0 रेजिस्टेंस, यानी जो भी टोटल रेजिस्टेंस है वो ये रखी हुई है। बस इससे हमको यहां की पावर निकालना, और लेंथ रॉड की लेंथ दे रखी है हमें 1 मीटर, यानी ये जो रॉड है इसकी लंबाई दे रखी है 1 मीटर, ये दे रखी है। तो अगर याद हो तो हमने बताया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को मूव करवाना चाहते हैं तो इस मोशन के अगेंस्ट एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू और पावर की, ये एक फार्मूला लिखाया गया था, पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर और अपॉन में आर, ये था पावर का फार्मूला। बस यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है 1 का स्क्वायर, वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर और लेंथ है 1 का स्क्वायर और अपॉन रेजिस्टेंस हमको दे रखी है 0.2 ओम। बस यहां से ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मीन्स 400 और अपॉन में 0.2, पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 यानी 2 × 10³ वॉट, ये इसी को हम बोल सकते हैं 2 किलो वॉट, ये हो जाएगी पावर। यानी इस तार को चलाने में जो हमको टोटल पावर स्पेंड करना है उस पावर की वैल्यू 2 किलो वॉट है, 2 किलो वॉट पावर लगाना पड़ेगी। और यहीं पर हमने एक फोर्स का भी फार्मूला लिखाया था, और फोर्स का फार्मूला था बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर और अपॉन में आर, ये इसकी फोर्स थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमको दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमको ये दिया गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁴ टेस्ला और डिप एंगल दिया है यहां पर, यानी थीटा डिप एंगल, जिसकी वैल्यू दे रखी है 10⁴/3, ये हमको डिप एंगल दिया गया है। मेटल रॉड जिसकी लंबाई दे रखी है एल दे रखा है हमको, और एल की वैल्यू दे रखी है 0.25 मीटर, ये लंबाई दे रखी है। नॉर्थ साउथ पोजीशन में इसको रखा गया है, जो रॉड है इसको नॉर्थ साउथ पोजीशन में रखा गया, ये हमने एक केस पढ़ाया था इस टाइप से। ये है हमारा रॉड का पोजीशन अलोंग नॉर्थ साउथ, और बताया था ये है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और ये डायरेक्शन था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ये था साउथ और ये था नॉर्थ, इस डायरेक्शन में हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। नॉर्थ साउथ पोजीशन इज मूव्ड एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 cm/s, यानी इसको इस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है और इसकी स्पीड है 10 cm का मतलब 0.1 m/s, ये इसकी स्पीड है। बस हम हमसे इसका ईएमएफ पूछा गया, कितना ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगा इस रॉड में, तो इसमें एक केस बताया गया था ये कि अगर रॉड को नॉर्थ साउथ पोजीशन में रख करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम मूव करवाएंगे तो जब ये रॉड मूव करेगी तो इसकी जो लाइंस कटेंगी वो वर्टिकल वाली कटेंगी, तो हमको यहां पर रखना है ई इज इक्वल टू बी वर्टिकल इंटू वेलोसिटी और इंटू लेंथ। अब हमको यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट तो दिया नहीं है, दिया गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से वर्टिकल निकालने के लिए अर्थ मैग्नेटिज्म का सहारा ले लेंगे, जहां पर हमने पढ़ा था ये अर्थ मैग्नेटिज्म में टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी और अपॉन में बी एच,
यानी हम बी वी की जगह पर रख सकते हैं बी एच टेन थीटा, तो फिर इसकी जगह हो जाएगा बी एच टेन थीटा और इनटू वेलोसिटी और इनटू लंबाई, बस ये हो जाएगा। तो अब यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको दिया ही है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 4/3, वेलोसिटी हमको दे रखी है इसकी 0.1 और लेंथ कंडक्टर की हमको दे रखी है 0.25, बस यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 0.25 यानी 1/4 है और ये भी 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा 0.1 यानी 1 × 10 की पावर माइनस का 5। या इसी को हम, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं माइक्रो में, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 की पावर माइनस 6 यानी 10 माइक्रो वोल्ट, बस ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये रॉड में हमने 2-3 केस पढ़ाए थे, पढ़ाया था कि अगर ये रॉड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी है और इसको हॉरिजॉन्टल में कहीं पर भी अगर हम मूव करवाएंगे तो जो लाइंस कटेंगी वो वर्टिकल वाली कटेंगी, और अगर इस रॉड को ईस्ट वेस्ट की तरफ रखते हुए वर्टिकल पर मूव कराएंगे तो जो लाइंस कटेंगी वो हॉरिजॉन्टल वाली, तो वहां हॉरिजॉन्टल था। और बताया था इसी रॉड को अगर इसी तरीके से रखें और अगर हम वर्टिकल के ऊपर मूव करवाएं तो फिर इसका ईएमएफ हो जाएगा 0, क्योंकि वर्टिकल पर मूव करवाने से जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल और जो लेंथ है वो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पैरेलल, ठीक है। तो तीनों वेक्टर्स में से अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हुए तो फिर ईएमएफ हमेशा 0 होगी। तो यहां पर ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी 10 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें भी हमको एक रॉड का ही सवाल है। ये भी इसमें दिया गया है, एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज फॉलिंग विद वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स विल बी। यानी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल फील्ड के अंदर नीचे की तरफ गिर रही है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वहां, और ये मालूम है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो साउथ नॉर्थ के डायरेक्शन में होता है। अब इसमें अगर इस रॉड को हम नीचे की तरफ गिराएंगे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर तो लेंथ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके अलावा वर्टिकल वेलोसिटी, ये सब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे इसमें, तो जो दोनों किनारों के बीच में ईएमएफ डेवलप होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी बी वी और एल, इतना ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें दिया एन इंसुलेटेड रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल, इसमें पहला टर्म ही आ गया इंसुलेटेड, और हमने लिखाया था कि अगर रॉड इंसुलेटेड हुई तो इंसुलेटेड रॉड में कभी भी कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होती है, यहां पर ईएमएफ जो डेवलप होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी इंसुलेटेड रॉड में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होती है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसमें हमको दिया एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स इन इट्स प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड। यानी ये हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड, एक जो है लूप है, ये लूप है, ये इस लूप को मूव करवाया जा रहा है किसी वेलोसिटी से v से, ये मूव करवा रहे हैं। तो अब ये पूछा गया है, कह रहा मैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर दिया ही गया है, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप,
इस पूरी लूप में कितना करंट आएगा, ये हमसे पूछा गया। तो अब इसके लिए हमने बताया था कि क्योंकि यहां पर जो मूवमेंट है ये वेलोसिटी पैरेलल है इस वाली लंबाई के, तो यहां तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होना नहीं है, और इस ये वाली वेलोसिटी इस वाली लेंथ के भी पैरेलल है, तो यहां तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होना नहीं है, इन दोनों के अंदर तो कोई ईएमएफ आएगी नहीं। अब बचा ये वाली रॉड और ये वाली रॉड, तो इनके अंदर हमने बताया था कि पहले ये पता कर लेते हैं कि हम इसकी पोलैरिटी क्या है, उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इधर की तरफ मोशन है, अंदर की तरफ फील्ड है, तो चार्ज जो पॉजिटिव वाला इकट्ठा होगा वो इधर होगा, और इस वाली रॉड के अंदर भी चार्ज पॉजिटिव इधर होगा, यानी यहां की जो पोलैरिटी होगी ये पॉजिटिव और इधर की पोलैरिटी नेगेटिव, और यहां की भी पोलैरिटी पॉजिटिव और यहां की भी पोलैरिटी नेगेटिव। तो इस हिसाब से ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर एक बैटरी लग गई ये, और इस बैटरी का ईएमएफ हुआ ई इज इक्वल टू बी वी और एल, ये है, और यहां पर भी एक बैटरी लग गई जिस बैटरी का ईएमएफ हुआ ई इज इक्वल टू बी वी और एल। अब क्योंकि ये दोनों ईएमएफ सेम है तो ये दोनों ईएमएफ टकरा जाएंगे और नेट ईएमएफ इस पूरे सर्किट का हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब इस लूप के अंदर कोई भी ईएमएफ नहीं है, जीरो ईएमएफ है, ठीक है, नो ईएमएफ। अगला सवाल, इसमें हमको दिया गया है एक स्क्वायर मेटलिक वायर लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर, यानी एक लूप दे रखी है और इस लूप की साइड की लंबाई हमको 1 मीटर दी है, 1 मीटर, यानी ये जो जितने भी तार हैं इन सब की लंबाई यहां पर 1 मीटर है, स्क्वायर लूप है क्योंकि ये, ठीक है, ये दे रखा है, वन नहीं है सॉरी 0.1 मीटर दिया, ये 0.1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम, और ये जो लूप है इसकी रेजिस्टेंस हमको 1 ओम दे रखी है, 1 ओम इज मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव करवाया जा रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म और इनवर्ड नेचर का दे रखा हमको। लूप इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये कई सारे तारों से जोड़ी गई है, इस तरीके की लूप है ये लूप दे रखी है, और इसमें हर एक तार 3 ओम का है, 3 ओम के तार ही है। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, हमसे पूछा गया कि यहां पर ये जो लूप है इसको हम कितनी वेलोसिटी से मूव करवाएं, वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, सो दैट स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, ताकि इस पूरे सर्किट के अंदर हम एक करंट डेवलप करवा सकें और ये करंट होना चाहिए 1 मिली एम्पियर का, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये वाला जो वेलोसिटी है ये लेंथ के पैरेलल और ये वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल, तो यहां पर भी इन दोनों तारों की वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल होगी, तो इसीलिए यहां पर तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, ना ही यहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, बाकी इस वाले तार के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इन दोनों तारों में करंट क्योंकि अपोजिट चलेगी, ऊपर से नीचे आएगी, इसमें नीचे से अगर ऊपर गई तो उस हिसाब से इन दोनों तारों का नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो कुल इस तार के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो, और इसमें भी अगर हमें ईएमएफ का डायरेक्शन पता करना तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, इस हिसाब से मोशन इधर की तरफ है, फील्ड नीचे की तरफ, तो करंट ऊपर जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ इकट्ठा होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और ये इसका नेगेटिव बनेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहां पर भी एक बैटरी लगी है और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, और इस बैटरी का ईएमएफ है ई इज इक्वल टू बी वी और एल,
बस अब हमको निकालना क्या चीज है, इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए करंट हमको दे ही रखा, तो आई इज इक्वल टू ई और अपॉन में नेट रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो होगी इसकी वी वी और एल, और नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक ओम तो ये तार है वन ओम का, और ये जो है ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर सब रेजिस्टेंसेस सेम रेजिस्टेंस के अगर होते हैं तो व्हीट स्टोन ब्रिज की जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो एक तार की रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है, यानी ये तीन ओम हो जाएगा आर डैश। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस आर डैश, बस ये टोटल रेजिस्टेंस होगी, जहां पर आर रेजिस्टेंस इस तार की है और आर डैश रेजिस्टेंस इस व्हीट स्टोन ब्रिज की है। तो अब यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखा है इधर 2 टेस्ला, वेलोसिटी हमको निकालना है, तार की लंबाई दे रखी है 0.1 मीटर, और कुल रेजिस्टेंस जुड़ करके एक इसकी है तीन इसकी है, तो टोटल हो जाएगी 4, और करंट की वैल्यू हमको दे रखी है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब 10^-3 एम्पियर, बस ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से ये वैल्यू, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो यहां से अगर पॉइंट हटा दें तो 0 नीचे बढ़ जाएगा, और 2 से इसे कट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 220। तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 20 × 10^-3, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 × 10^-2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 2 cm/s, बस ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इसमें हमको एक कंडक्टर दिया गया है, यह कंडक्टर दिया गया है ए बी ओ सी डी, और इन दोनों के बीच में एंगल हमको दिया गया है 90 डिग्री का। अब इस पूरे कंडक्टर को 1 m/s की स्पीड से मूव करवाया जा रहा है, वेलोसिटी इसकी दे रखी है 1 m/s, इससे मूव करवाया जा रहा है। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है ये, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 टेस्ला। इफ ऑल 4 साइड्स आर ऑफ 1 m लेंथ, यानी 4 के 4 तार 1 m लंबाई के हैं, 1 m लेंथ है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी, ये पूछा गया। तो हमने ये बताया था कि कोई भी अगर आर्बिट्रेरी शेप का तार है, तो आर्बिट्रेरी शेप के तार के अंदर हमको सिर्फ कंडक्टर्स के दोनों किनारों के बीच की लंबाई हमको कंसीडर करना। तो कंडक्टर का एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, हमको ये चाहिए ये लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। तो ये निकालने के लिए हमको ये दोनों किनारों के बीच की लंबाई निकालने, अगर ये लंबाई और ये लंबाई सेम है तो फिर ये सही हो जाएगा। तो अब ये 90 डिग्री है, ये 1 m है और ये भी 1 m है, तो फिर ये हो जाएगा √2 m, ये लंबाई हो जाएगी। बस अब ईएमएफ अगर हमको निकालना, तो ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी और इफेक्टिव लेंथ। ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल पाइथागोरस के हिसाब से √2 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, वेलोसिटी 1 और लेंथ √2, बस इतना ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगा, यानी 1.4 m।
ये सॉरी बोल्ट, ठीक है 1.4 वोल्ट, इतना ही ईएमएफ इधर डेवलप हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। इसमें हमको दिया गया है एक कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स इन इट्स प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर, यानी एक ये हमको लूप दे रखी है स्क्वायर लूप, और ये यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से इस लूप को बाहर निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, और जिस वेलोसिटी से किया जा रहा है बाहर वो वेलोसिटी वी है, और इस कंडक्टर की जो लंबाई है वो यहां पर हमको एल दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बी कांस्टेंट है, बस हमसे ये पूछा गया इस लूप के अंदर कितना ईएमएफ आएगा, तो इस वाले तार में तो कोई ईएमएफ आना नहीं है, इस वाले तार में कोई ईएमएफ आना नहीं है क्योंकि लेंथ पैरेलल है वेलोसिटी के, इस वाले तार में कोई ईएमएफ आएगी नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, सिर्फ इस तार के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और इसका डायरेक्शन ऐसे ही चेक कर सकते हो, तार इधर मूव कर रहा है अंदर की तरफ फील्ड है तो प्रोटोन सब इधर कलेक्ट होंगे जाकर के, यानी पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा और नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, तो ऐसे कह सकते हैं हम यहां एक बैटरी लग गई है ऐसे, ठीक है, और इस बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा बी वी और एल, बस ये हो जाएगा। और अगर करंट की डायरेक्शन पूछी जाती इसमें तो करंट डेवलप होती है यानी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है क्लॉकवाइज सेंस में करंट डेवलप हो जाएगी, क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी इसमें। अगला सवाल 26, इसमें दिया गया है वन कंडक्टिंग यू ट्यूब कैन स्लाइड इनसाइड एनदर, यानी एक यू ट्यूब है ये, और इस यू ट्यूब के अंदर एक दूसरी यू ट्यूब है पतली, ये एक दूसरी यू ट्यूब है ये, और इसमें ये दिया गया है कि ये एक दूसरे के अंदर मूव कर सकती हैं, और यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस कर रहा है बी, मींस ये वाली यूट्यूब इधर मूव कर सकती है और ये वाली यूट्यूब इधर मूव कर सकती है, ये मोशन इनका। इफ ईच ट्यूब मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड वी एंड एल इज द विथ ऑफ ईच ट्यूब, और हर ट्यूब की जो चौड़ाई है वो एल दे रखी है हमको, ये वाली लेंथ जो है वो हमको एल दे रखी है। अब देखिए इन वाले तारों के अंदर तो कोई आना नहीं है ईएमएफ, ना ही इधर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी, बस इसमें होगी और इसमें होगी, कैसे होगी ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए जो इधर वाली ट्यूब है इसका मोशन इधर है, अंदर की तरफ फील्ड है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कलेक्शन यहां होगा और निगेटिव चार्ज यहां होगा, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इधर कलेक्ट हुआ निगेटिव इधर हुआ, इसका मतलब यहां एक बैटरी लग गई इस तरीके से ये, और इस बैटरी की ईएमएफ हो जाएगी बी वी और एल, ये तो इस बैटरी की ईएमएफ होगी। अब इधर का अगर देखा जाए तो इसके अंदर मोशन उधर की तरफ है और फील्ड नीचे की तरफ है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कलेक्शन नीचे होगा, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां निगेटिव आएगा, तो इस हिसाब से यहां पर भी एक बैटरी लग गई, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका ईएमएफ भी हो जाएगा E इज इक्वल टू बी वी और L, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के इस बैटरी का ईएमएफ भी इधर ही है
यानी ये करंट देगी इस डायरेक्शन में और ये भी करंट देगी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी टोटल ईएमएफ यहां पर हो जाएगा 2 times ऑफ बी वी और इनटू एल, और अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो डायरेक्शन हो जाती इसकी क्लॉकवाइज। ठीक है, बस बैटरी इसी तरीके से हम पता करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन किधर हुआ है, बस उसी हिसाब से हम पता कर लेते हैं बैटरी कैसी लगेगी, फिर करंट का डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हमको पता चल जाएगा। अगला सवाल 27, इसमें हमको दिया है रेक्टेंगुलर लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप है ये, ये एक लूप दे रखी है और इसके ऊपर एक तार रखा हुआ है, ये वायर पी क्यू जिसकी रेजिस्टेंस है आर, इसकी रेजिस्टेंस भी है आर और इसकी रेजिस्टेंस भी है आर, मूविंग विद ए स्पीड वी एज शोन, इस तार को मूव करवाया जा सकता है। द सेटअप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन में इसको मूव करवाया जा रहा, फील्ड है यहां पर। तीन करंट है जिन करंट की डायरेक्शन हमको दिखा रखी है, इस वाले तार में करंट की डायरेक्शन दे रखी है आई और इस वाले तार में करंट की डायरेक्शन दे रखी है आई टू और इस वाले तार में करंट की डायरेक्शन दे रखी है आई वन, ये दे रखा। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों करंट की डायरेक्शन, तीनों की, आई आई वन और आई टू, तो हमको डायरेक्शन तो निकालना नहीं है क्योंकि डायरेक्शन तो इधर दे ही रखी है। तार यहां पर मूवेबल ये वाला है, ये तो अगर ये मूवेबल तार है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक बैटरी लगी है और ये बैटरी लगी होगी इस तरीके से, तभी करंट इस तार में ऐसे चलेगी और इस बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा ई इज इक्वल टू बी वी और एल, ये इसका ईएमएफ हो जाएगा। बस अब ये सिंपल सर्किट हो गया, अब हम इसको जो है डीसी सर्किट की तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दो तार जो है दो रेजिस्टेंसेस इनको हटाएंगे, ये तार और ये तार, और इन दोनों तारों के जो टर्मिनल है वो सेम है, ये भी यहीं से जुड़ा, ये भी यहीं से जुड़ा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो हमारा ये सर्किट इक्विवेलेंट इस तरीके से हो जाएगा, यहां पर एक बैटरी लग गई, ये रेजिस्टेंस लगी है और इधर इन दोनों तारों को हटा करके हम एक वायर लगा देते हैं और इस वायर की रेजिस्टेंस हो जाएगी आर और आर पैरेलल में मीन्स आर बाई टू, और ये तार है आर का और इस वाले तार की ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ है बी वी और एल, ये, और इस सर्किट में जो करंट चल रही है वो है आई, यानी ये बैटरी जो करंट दे रही है ये करंट आई है, तो इस करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू ईएमएफ और अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी आर और प्लस आर बाई टू, दोनों सीरीज में है दोनों तार, तो यहां से वैल्यू आएगी बी वी एल और अपॉन में 3 R/2, तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू हो जाएगी 2 times ऑफ बी वी एल और अपॉन में 3 times ऑफ R, ये नेट करंट हो गया सर्किट का। अब अगर हमें ये दोनों करंट निकालने, ये और ये, तो ये दोनों तार पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज होता है सेम और रेजिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब करंट यहां पर आधी आधी डिवाइड करेगी, टोटल करंट की आधी करंट इधर जाएगी और आधी करंट इधर जाएगी। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि आई वन और आई टू ये दोनों करंट सेम है और टोटल करंट की आधी है, ये हाफ है, बस इनको हाफ कर दिया है, तो हाफ ऑफ टोटल करंट यानी 2 times ऑफ बी वी एल और अपॉन में 3 times ऑफ
आर, बस ये टू से टू कैंसिल हो गया, यानी ये हो जाएगा बी वी एल और अपॉन में थ्री टाइम्स ऑफ आर, बस ये करंट हो जाएंगी आई वन और आई टू, ठीक है, और ये हो जाएगी टोटल करंट। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है 28, जिसमें हमको दिया गया है ए मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीट द सर्किट, यानी ये एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट के ऊपर रखी गई है एक मेटल रॉड, ये एक मेटल रॉड रखी गई है जिसको मूव करवाया जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस रॉड की लंबाई हमको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मींस 0.5 मीटर, ये इस रॉड की लंबाई है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नेचर का है जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.15 टेस्ला, और हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस इस तार की दे रखी है 3 ओम, 3 ओम का ये तार है। हमसे पूछा गया है फोर्स कि इस तार को चलाने के लिए कितनी फोर्स हमको लगाना पड़ेगी, तो जैसे एक पावर और एक फोर्स, पावर का फार्मूला था B² V² तो ये हो जाएगा B² V L² और अपॉन में रेजिस्टेंस, ये फोर्स हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.15 का होल स्क्वायर, वेलोसिटी दे रखी है 2 और लेंथ दे रखी है 0.5 का होल स्क्वायर और अपॉन में रेजिस्टेंस दे रखी है हमको यहां पर 3, तो ये हो जाएगा 225 और इंटू 10 की पावर -4 इंटू 2 और ये हो जाएगा 0.25 और अपॉन में डिवाइडेड बाई 3, 3 से इसको काट दिया जाए, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाता है तो ये हो जाएगा 0.25 को सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 होगा, 0.5 का मतलब 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई, ये फोर्स इज इक्वल टू 75 और इनटू 10 की पावर -4 और इनटू 0.5, तो फोर्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 37.5, 37.5 और इनटू 10 की पावर -4, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 3.75 इनटू 10 की पावर -3 न्यूटन, बस इतनी फोर्स हो जाएगी। फार्मूले हैं ये, बताया था यहां फोर्स का और पावर का 2 फार्मूले हैं, बस उसी पे बेस्ड रही है। और ये इमोशनल ईएमआई का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमको दिया गया है एक थिन सेमी सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस दे रखी है आर, यानी इसका डायामीटर हो जाएगा 2R, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर इसको मूव करवाया जा रहा है नीचे की तरफ वी स्पीड से। हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग, यानी इस रिंग पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और ये पॉइंट दिया गया है एम और ये पॉइंट दिया गया है एन, तो हम इसके अंदर भी यही करेंगे,
सबसे पहली चीज, मोशन इसका नीचे की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ भागेंगे, ये अंगूठे के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ भाग रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जब इधर की तरफ भागेंगे तो ये वाला जो टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव है और ये वाला जो टर्मिनल है ये निगेटिव है, क्योंकि हमारा जो मोशन है कंडक्टर का नीचे की तरफ है ये, और जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है ये। यही था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी और मोशन यानी करंट, करंट की डायरेक्शन। तो उसके हिसाब से यहां मोशन जो है कंडक्टर का नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज सब कलेक्ट होगा इधर आकर के और निगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा इधर जाकर के। और इसमें बताया था कि इफेक्टिव लेंथ ली जाएगी तो ई एम एफ इज इक्वल टू बी इंटू वी और इंटू इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी यहां पर टू टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, जब ये टू टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा और ये जो पॉइंट है ये एन के बजाय दे रखा है यहां पर क्यू, यानी ये पॉइंट क्यू है, तो ये दिख ही रहा कि ये पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर। तो ये क्यू इज एट हाई पोटेंशियल। ठीक है, ये इमोशनल ईएमआई के क्वेश्चंस हो गए जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो। अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम जो है स्टैटिक ईएमआई के बारे में बात करेंगे, स्टैटिक ईएमआई क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, स्टैटिक ईएमआई के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो, और ध्यान रखें कोरोना वायरस जो भी आजकल फैला हुआ है तो उससे थोड़ा अपना बचाव करते रहें, हाथ पैरों को सैनिटाइज करते रहें, सैनिटाइज़र बताया ही था कि उसको ले लें, और यहाँ तक अपने हाथ बार जो है बार बार साबुन वबुन से धोते रहें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और 22 तारीख तक जब तक सरकार ने ये कोचिंग या फिर जो और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब बंद कर रखें तो तब तक अपना जो है भीड़ भाड़ से थोड़ा बचे रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें पूरी तरीके से। ठीक है, थैंक यू।